तो दोस्तों, भारत के मेड इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है और अब भारत के द्वारा बनाए गए स्वदेशी हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता और मान्यता मिल रही है। आप सभी भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का ही उदाहरण ले लीजिए। तेजस फाइटर जेट को लेने के लिए दुनिया के 5 देश आज भारत से लगातार बातचीत कर रहे हैं और कई सारे देशों के प्रतिनिधि और इसके अलावा उनके वायुसेना के जो पायलट हैं वो भारत आ रहे हैं ताकि भारत के तेजस को उड़ाकर देख सकें। और अब ऐसा ही एक और देश बन चुका है अर्जेंटीना। दरअसल आपको मैंने कल ही वीडियो बनाकर बताया था कि अर्जेंटीना भारत से 12 की संख्या में तेजस फाइटर जेट लेना चाहता है, परंतु अर्जेंटीना का भारत से कहना है कि हम तेजस को तो खरीदेंगे परंतु इससे पहले हम तेजस फाइटर जेट को उड़ाकर देखना चाहते हैं। दरअसल अपने तेजस फाइटर जेट की जो प्राइस है वो $45 मिलियन से $50 मिलियन के बीच है, यानी करीब करीब 400 करोड़ रुपए। और दुनिया के कई सारे देश इस बात को देखना चाहते हैं कि भारत ने इतनी कम कीमत के अंदर दुनिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में इतना बेहतरीन फाइटर जेट कैसे बनाया। अब यह तो भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत ही है जिसके कारण से आज दुनिया के 5 देश जिनमें सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है वो भारत के तेजस फाइटर जेट को अपनी वायुसेना के लिए भारत से खरीदना चाहते हैं। और तेजस को उड़ाकर देखने के पश्चात अर्जेंटीना चाहता है कि भारत तेजस फाइटर जेट की 12 जो यूनिट है वो अर्जेंटीना के ही अंदर बनाकर तैयार करे और इसके जो पार्ट्स हैं उनको किट के रूप में अर्जेंटीना लेकर जाया जाए और वहां पर तेजस फाइटर जेट को बनाकर असेंबल किया जाए। साथ में इसके जो कुछ पार्ट हैं वो भी अर्जेंटीना के अंदर बनने चाहिए और तभी अर्जेंटीना भारत के साथ 12 तेजस फाइटर जेट की जो डील है वो साइन करेगा। और अर्जेंटीना की इन मांगों को देखते हुए भारत ने भी हरी झंडी दे दी है और भारत ने अर्जेंटीना की एयरफोर्स का एक डेलीगेशन भारत बुलाया है ताकि वो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो तेजस फाइटर जेट को उड़ाकर देख सकें ताकि उनके जो सारे भ्रम हैं तेजस को लेकर वो दूर हो पाए। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी तेजस की फैक्ट्री डालनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।